हाई फ्रेंड्स वेलकम टू इंग्लिश स्टडी पॉइंट फ्रेंड्स टूडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू सम पॉपुलर डिक्शनरीज फ्रेंड्स वर्ड डिक्शनरी जो है इसे इन्वेंट किया था जॉन ऑफ गार्लेंड ने दिस वर्ड वॉज इन्वेंटेड इन ट्वेल्व हंड्रेड ट्वेंटी टू ही रोट अ बुक कॉल्ड डिक्शनरीज की जॉन ऑफ गार्लेंड ने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था डिक्शनरीज ताकि लेटन डिक्शन में मदद मिल सके फ़र्स्ट प्योरली इंग्लिश एल्फ़ाबेटिकल डिक्शनरी वॉज कि जो सबसे पहली इंग्लिश एल्फ़ाबेटिकल डिक्शनरी थी उसे पब्लिश किया गया 1604 में बाय अ स्कूल टीचर एंड उसे जो है स्कूल टीचर ने पब्लिश किया था एंड उनका नाम था रॉबर्ट काउड्रे एट दैट टाइम नेम ऑफ डिक्शनरी वाज़ अ टेबल एल्फ़ाबेटिकल डिक्शनरी कि उस टाइम पर डिक्शनरी का नाम हुआ करता था टेबल एल्फ़ाबीटिकल डिक्शनरी ओनली सर्वाइविंग कापी ऑफ द डिक्शनरी इज़ फाउंड कि इस डिक्शनरी की सर्वाइविंग कापी जो है वो मिलती है बॉडलें लाइब्रेरी इन ऑक्सफोर्ड में देन थॉमस ब्लॉन्ट जो ये थॉमस बलोंट थे इन्होंने पब्लिश किया ग्लॉसोग्राफिया सिक्सटीन फिफ्टी सिक्सटीन फिफ्टी सिक्स में देन ही ब्रॉड टेन थाउजेंड वर्ड्स टुगेदर इन्होंने जो है एक साथ टेन थाउजेंड वर्ड्स लेकर आए अलॉन्ग विद इटमोलॉजीज़ और हिस्ट्री कि उन वर्ड्स के साथ जो है उन वर्ड का मतलब इटमोलॉजीज़ बताएगी उन वर्ड का कैसे ओरिजिन हुआ और साथ ही साथ उन वर्ड्स की हिस्ट्री भी बताई उसी डिक्शनरी के अंदर यानी उसका नाम था ग्लॉसोग्राफिया जॉनसन पब्लिश हिज डिक्शनरी जॉनसन ने अपनी डिक्शनरी को पब्लिश किया था अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के नाम से इन सेवनटीन सेवेंटी फाइव एंड इसे जो इस डिक्शनरी को उन्होंने पब्लिश किया 1775 में नॉट नॉट अनटिल दिस दैट अ मोर रिलायबल डिक्शनरी वाज प्रोड्यूस कि इससे पहले जो है अभी तक मतलब रिलायबल uh, डिक्शनरी जो है प्रोड्यूस नहीं हुई थी देन Johnson's अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज दिस मास्टर वर्क कुड भी जज एज द फर्स्ट डिक्शनरी कि जॉन्स जॉनसन की सैमिल जॉनसन की डिक्शनरी को जो है फर्स्ट डिक्शनरी के नाम से जज किया जाता है नोन टुडे एज द फर्स्ट मॉडर्न डिक्शनरी कि आज इसे जो है जाना जाता है फर्स्ट मॉडर्न डिक्शनरी के नाम से हिज डिक्शनरी रिमेन द इंग्लिश लैंग्वेज स्टैंडर्ड कि इनकी डिक्शनरी जो थी वो इंग्लिश लैंग्वेज स्टैंडर्ड से जो है जानी जाती थी वन फिफ्टी ईयर्स तक अंटिल यूनिट यूनिवर्सिटी प्रेस बिगेन राइटिंग कि जब तक ऑक्सफोर्ड डिक्शन यूनिवर्सिटी प्रेस ने लिखना नहीं शुरू किया था तो सैम्यल जॉनसन की डिक्शनरी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज स्टैंडर्ड का बेस थी एंड रिलीजिंग द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी कि उसके बाद यानी सैमुअल जॉनसन की डिक्शनरी के बाद जो है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी आ गई थी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी जिसे मतलब पब्लिश किया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने एंड इसे जो है मतलब कम पचास साल लगे थे कंप्लीट करने में दिस हीज बॉग एंड फाइनली दे रिलीज़ द कम्प्लीट ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी एंड उसके बाद जो है उन्होंने रिलीज़ किया कम्प्लीट ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी को जिसे जाना जाता है ओ ई डी से के नाम से एंड इसमें ट्वेल्व वॉल्यूम्स थे जो कि पब्लिश किए गए नाइनटीन ट्वेंटी एट में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी रिमेंड मोस्ट कॉम्प्रीहसिव कि जो ये ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी थी ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रीहसिव थी और साथ ही साथ ट्रस्टेड इंग्लिश डिक्शनरी थी जिसमें रिविजन थी और साथ ही साथ जो है अपडेट्स एडिड बाई अ कि इस डिक्शनरी में जो है हर तीन महीने बाद जो है अपडेट्स ऐड किए जाते थे डेडिकेटेड टीम द्वारा देन ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी इज़ द प्रिंसिपल हिस्टोरिकल डिक्शनरी कि ये जो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी थी ये हिस्टोरिकल uh, डिक्शनरी थी इंग्लिश लैंग्वेज की बिकॉज इन इट क्योंकि इसमें हिस्ट्री थी हर एक वर्ड की और साथ ही साथ हिस्टोरिक रूट्स भी थे हर एक वर्ड के कि एक पर्टिकुलर वर्ड के जो मतलब हिस्टोरिकल रूट की मतलब वो वर्ड जो है कहाँ से ओरिजिन हुआ है उस वर्ड का सो so, उस बारे में भी बताया गया था दिस डिक्शनरी वॉज पब्लिश बाई ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस कि इस डिक्शनरी को ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने पब्लिश किया इट ट्रेसिज हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कि इसमें जो है बताया गया कि किस तरीके से जो है इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब डेवलपमेंट हुआ और साथ ही साथ ये जो डिक्शनरी थी ये प्रोवाइड करती थी मतलब रिसोर्स प्रोवाइड करती थी स्कॉलर्स और साथ ही साथ एकेडमिक रिसर्चर्स को एज़ वेल एज डिस्क्राइबिंग यूसेज ऑफ ईच वर्ड इन डिफरेंट मैनर्स कि पर्टिकुलर वर्ड जो है वो किस किस वे में जो है अलग अलग तरीके से जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं उसके बारे में भी उस डिक्शनरी में बताया गया था देन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ दिस डिक्शनरी वॉज़ मेड अवेलेबल इन 1998 एट कि इस डिक्शनरी का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन uh, जो था वो 1998 में आया और जो फर्स्ट ऑनलाइन वर्जन जो था वो मतलब 2000 में अवेलेबल हुआ देन अब हम बात करते हैं अमेरिकाज़ नोवा वेबस्टर कि ये जो अमेरिका की नोवा वेबस्टर है ये भी एक डिक्शनरी का नाम है जिसे पब्लिश किया गया फ़र्स्ट अमेरिकन डिक्शनरी ये जो नोवा वेबस्टर थी ये पहली अमेरिकन डिक्शनरी थी जो कि 1806 में आई जिसे जाना जाता है कंपेंडियस डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के नाम से प्लीज़ रिमेंबर दिस कि नोवा वेबस्टर को आज जाना जाता है कंपेंडियस डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के नाम से ही पब्लिश्ड अ फुल डिक्शनरी कि नोवा वेबस्टर ने पूरी डिक्शनरी को पब्लिश किया और साथ ही साथ अ मॉडर्न डिक्शनरी नोन एज़ कि मॉडर्न डिक्शनरी को जाना जाता है अमेरिकन डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 1828 में इसे पब्लिश किया गया नोवा वेबस्टर की नोवा वेबस्टर को जो है जाना जाता है फादर ऑफ अमेरिकन स्कॉलरशिप एंड एजुकेशन देन मरियाम वेबस्टर डिक्शनरी ये 1828 में जो है आई थी इट इज़ नोवा वेबस्टर डिक्शनरी की मरियाम वेबस्टर डिक्शनरी को बोला जाता है नोवा वेबस्टर डिक्शनरी आफ्टर नोवा वेबस्टर डाइड कि जब नोवा वेबस्टर की डेथ हो गई थी एक जॉर्ज चार्ल्स मरियम जो थे उन्होंने फाउंड की थी कंपनी मरियम कंपनी सो so, इन्हों ने क्या किया 1843 में कंपनी ब्रॉड द राइट टू एन अमेरिकन कंपनी के पास जो है राइट्स आ गए थे अमेरिकन की मतलब वो जो है अमेरिकन डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को जो है वेबस्टर्ड इस्टेट में मतलब उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं देन देन फ्रेंड्स इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है एंड फ्रेंड्स प्लीज़ डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब होप दिस लेक्चर विल हेल्प यू इन योर यू जी सी नेट इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम्स थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग